खनन माफिया की गुंडागर्दी के कारनामों से पूरा देश वाकिफ है, लेकिन शांत कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में भी जहां खनन माफिया खूब पांव पसार रहा है, वहीं इनके हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। खनन माफिया सवा नदी और खड्डों का सीना तो छलनी कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो खनन माफिया गुंडागर्दी करने पर उतारू हो जाते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऊना में इन दिनों खनन माफिया का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, शनिवार को तो खनन माफियाओं ने अपनी गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी। गुंडागर्दी इस तरह उतारू थी कि जिले में एक अधिकारी को कार्रवाई पर तबादले और नतीजा भुगतने तक की धमकी दे दी गई। ट्रांसफर की दी गई और मुझे बोला गया कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको देख लेंगे। इसमें भी करूंगा और अपने उचित अधिकारियों को भी कर। अभी डीएफओ साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला कि इनके चलान करो, जैसे मर्जी करो। दरअसल वन विभाग की टीम खनन माफिया के खिलाफ अभियान चला रही थी कि तभी रेत से भरे एक टिप्पर को जांच के लिए रोका गया। वन विभाग की कार्रवाई से तैश में आकर टिप्पर चालक ने पहले तो खंड अधिकारी पर ऊंची पहुंच का रौब झाड़ा और उसके बाद तबादले और नतीजा भुगतने की धमकी देने लगा, लेकिन अधिकारी ने टिप्पर चालक की एक न सुनी और टिप्पर चालक का मौके पर ही चालान करके 10,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। मैंने और कर्णवीर फॉरेस्ट गार्ड ने वहाँ से दो मतलब आगे हम भागे और उसको हमने अपने यहाँ रामपुर में उसको रोका और उसके जब कागज देखने को कहा तो उसने भी कोई भी कागज नहीं दिखा पाया तो और उस उन्होंने भी चलान को कहा तो चलान नहीं करने को कहा और हमारे को बातें कर रहे, बोले पॉलिटिक्स से बात करो, नेताओं से बात करो, हमारे अफसरों से बात करो। वैसे तो खनन माफियाओं के कारनामों से पूरा देश वाबस्ता है, लेकिन अब धीरे धीरे देश के सबसे शांत कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में भी खनन माफिया पांव पसारते जा रहा है और दिन प्रतिदिन इन माफियाओं के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में खनन माफियाओं की जड़ को खत्म करना बहुत जरूरी। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।